अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन डेली टीवी की जानब से मैं हूं आपका अपना अब्दुल सत्तार। और आज हम इस वीडियो में जो सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है उसके हवाले से अहम तरीन मालूमात आपको शेयर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी खैबर पख्तूनख्वा में डीए खान टांग सवात नौशहर और चार सदा में सैलाब ने तबाही मचा दी है। नाज़रीन ग्रामी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पांच भाई जो के सैलाब के अंदर मौजूद थे, एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, चार घंटे इंतज़ार करते रहे कोई आएगा हमारी मदद के लिए, लेकिन सैलाबी रेल आए और भाग कर ले गया। नाज़रीन ग्रामी सिंध में भी सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। टंडवाला यार खैरपुर बदीन दादो सक्कर कम्बर शदाद कोट घोटकी लाड़काना में लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी बलोचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, डेढ़ हफ्ता हो गया है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। खुददार सिबी जाफराबाद जलमंगसी लसबेला सोबतपुर मूसाखेल बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी सैलाब में सिर्फ गरीब लोग ही क्यों बेघर होते हैं? ज़माना कदीम से वादी सिंध के लोग ऊँची जगह पर बस्ती बनाया करते थे ताकि बारिश के मौसम में सैलाब से बचा जा सके, मगर अंग्रेज़ दौर में बाख्तियार लोगों ने ऊँची जगह पर कब्जा कर लिया जिसमें सरदार जागीरदार बडेरे और चौधरी शामिल थे और कमज़ोर लोगों को नशेबी इलाकों में धकेल दिया। लिहाजा हर साल लोगों का नुकसान होता है, मगर अशराफिया पर जू नहीं रेंगती और मीडिया कौमी क्यादत की नाकामी छुपाने के लिए इसे अल्लाह का अजाब करार दे देता है। तो नाज़रीन ये कैसा अजाब है जो ज़ालिमों को तो छोड़ देता है और मज़लूमों का सफाया कर देता है। नाज़रीन ग्रामी ये आप देख सकते हैं ये कोई दरिया या झील नहीं है, ये बलोचिस्तान के रोड हैं जहाँ पर बसें चल रही हैं और पानी की हालत आप खुद देख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी ये आप देख सकते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा का बाज़ार है जो कि मेन बाज़ार है, पूरे बाज़ार में पानी भर चुका है। नाज़रीन ग्रामी ये आप लोग देख सकते हैं ये बलोचिस्तान के रोड हैं जो कि आप हालत देख सकते हैं कितना इंसानों का नुकसान हुआ पड़ा है। नाज़रीन हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस अज़ाब से हमें जल्द छुटकारा अता फरमाए और मज़लूम लोगों की हमें सबको मदद करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी ये आप देख सकते हैं ये बलोचिस्तान के रोड हैं, कितना लोगों का नुकसान हुआ पड़ा है, अल्लाह पाक हमें इस अज़ाब से जल्द अज जल्द छुटकारा अता फरमाए और हम सब लोगों को इन बलोचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द न्यू और अच्छी खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।